एक्चुअल पीपल्स मॉल का मॉडल जो हम पूरा नहीं देख पाए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। सबसे पहले नए साल की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। हम लोग का तो अच्छा नहीं जा रहा है, ईमानदारी से बताऊं तो, पर चलो ठीक है, जो है जैसा है ठीक है। सुबह सुबह दी आ गई थी, बड़ी दी आ गई थी 6 बजे, तब से उनके साथ बैठी हुई थी। थोड़ी जॉली नेचर की हैं तो हंस रही हैं, बोल रही हैं, सबको हंसा रही हैं, घर का माहौल लाइट कर रही हैं। और थोड़ी अच्छी बात भी है कि कल पापा को भूख लगने की टैबलेट्स दी हैं, तो आज थोड़ा सा ही सही उन्होंने खाया है, उठ के बैठे हैं, दी से बहुत बातें की हैं, मासा जी को कॉल किया है, तो ऐसे ही चल रहा है। पापा का नाम लो ना तो बस कुछ आता नहीं है, कोई वर्ड्स ही नहीं आते हैं मुँह पर। ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी टिकट वापस से कैंसिल कराऊँ और उन्हीं के साथ रह जाऊं, बट मुझे वहां भी देखना है, तो मैं तो 2 दिन में चली जाऊंगी। तो बस अभी सब खा पी के बैठे हुए हैं, बाहर जाने की तैयारी हो रही है। दी मंदिर गई हैं, मंदिर से होके आ जाए तो देखते हैं, निकलेंगे बाहर फिर जहां पहुंचे। तो हमेशा की तरह दिखाती रहूंगी जहां पहुंचे, जो किया आप लोग तक सारी डिटेल्स पहुँचाती रहूँगी। भोपाल का पीपल्स मॉल, मैं पहली बार आई हूँ यहाँ पे, इतने साल रहने के बाद भी मैं कभी नहीं आई। ये फेमस है फॉर 7 वंडर्स, ओरिजिनल नहीं, उनके रेप्लिकास, मुझे नहीं मालूम क्या बोलते हैं, बट यहाँ पे 7 वंडर्स बने हुए हैं, इसीलिए उसको देखने के लिए लोग आते हैं। अभी बना है, लगी है तो अंदर मेरे कार्डो है तो
चलो चलो बैठना मथे मुंडी लगे इसकी ना लंबे में खींचो नहीं लंबे में हेवी अच्छी देखो बस 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 इट्स नॉट फोटो अरे वो पीछे नहीं तो पीछे तो फोटो कहां नहीं है वो फोटो करे दे मीना अरे पेजो मोबाइल चालू कर गो गो अभी खींचो कोई अच्छा बोलते हैं सेवन वंडर्स बट ये सेवन वंडर्स नहीं है, ये फेमस मॉन्यूमेंट्स के रेप्लिकास बने हुए हैं। बिकॉज ये हर चीज तो सेवन वंडर्स में नहीं आती है। घंटे
घंटे से भी ज़्यादा घूमे हैं हम, बट पूरा कवर नहीं कर पाए। इतना बड़ा है पीपल्स मॉल। वो रही स्टैचू ऑफ लिबर्टी, बट अब हम बोल रहे हैं इसको बाय बाय, क्योंकि बिल्कुल पैरों में जान नहीं है चलने के लिए और भूख भी बहुत लगी है। हम आए थे अपनी पूजा दी से मिलने के लिए, बट यहाँ पे चल रहा है न्यू ईयर का फंक्शन। हाय, कैसी हो? मैं मौका नहीं छोड़ती हूँ कहीं पर भी। धीरे बेबी धीरे, आराम से इसे उड़ती हुई जा रही भाई। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी न्यू ईयर। आना अपने आप गए आ जाओ। बहुत तेज खुशबू आ रही है किचन से। इसकी आ रही है, इसकी। और कौन बना रहा है? अभी काम चल रहा है ना। वहाँ भरत बना रहा है चिकन और यहाँ पर मेरी बड़ी बहन सिखा रही है मधु को कि कैसे मेथी बीनते हैं। ये इतना लंबा नहीं, देखो ये लीफ यहाँ से निकाली और ये लास्ट वाले, ठीक है? इतना 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 लंबा लंबा नहीं, इतना। और तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? मटर छील रही थी। सबको काम मिला है आज? चलो भाई, एक मैं ही फोकट हूँ। हाँ, वो सिर्फ अपना। आज का दिन थोड़ा सा हेटिक था और हेटिक होने की वजह से मुझे थोड़ा सा माइग्रेन भी उठा। मैंने टेबलेट ली है और एट द सेम टाइम थोड़ा सा लाइट भी था। इनकी मम्मी के आने की वजह से घर का माहौल थोड़ा सा हल्का फुल्का हो गया है, क्योंकि वो हमारे घर की जोकर है। अब पापा बहुत खुश हैं, बार बार उठ के बात कर रहे हैं, अपनी बड़ी बेटी को देख के बड़े खुश हो रहे हैं और हमें बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहे हैं कि जाओ जाओ बुआ लोगों से भी मिल के आओ। तो शायद कल हम जाएंगे बुआ लोगों से मिलने के लिए। ये तो कल वापस घर चली जाएंगी, परसों मैं निकल जाऊंगी सुबह सुबह, उसके बाद शाम को दी निकल जाएंगी। तो बस ज़्यादा ना बोलते हुए आज का व्लॉग मैं करती हूँ यहीं पर ख़त्म। मिलती हूँ आप लोगों से कल नए व्लॉग में। टिल देन, बाय।